इसको जो है हम लोग कवास नान बोलते हैं। चलिए दोस्तों नमस्ते जोहार, मैं तोम कुमार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ नए ब्लॉग वीडियो में। आज जो हम हैं देख रहे हैं पीछे दिख रहा है पानी और ये एक नदी है, छोटा सा नदी है, ठीक नदी से देख रहे हैं पूरा ये। इसको हम लोग जोरिया बोलते हैं अपना झारखंड में इसको। और देखिए दोस्तों सरकार हमारे गाँव के तरफ मतलब बहुत ध्यान दिया था सिंचाई को लेकर। तो ये जो जोरिया है छोटा सा नदी होता है, बारिश के टाइम में काफ़ी पानी रहता है, एकदम यहाँ तक भरा हुआ रहता है एकदम, देख रहे इधर उठा हुआ है। इधर पूरे पहले पूरा बालू था लेकिन फिर बालू का ढुलाई होके ख़त्म हो गया। देखिए एकदम मतलब नदी में जो है नदी का बीच में एक कुआं खुदवाया था, ठीक ना, इसको सिंचाई करने के लिए। तो अभी इसका तो प्रयोग सिंचाई वगैरह के लिए नहीं होता है। देखिए यहाँ पर पानी पूरा गंदा हो चुका है जैसे देख रहे हैं। और ये फिर यहाँ पर एक ये मशीन हाउस था, पंप हाउस था, लेकिन यहाँ पर पंप नहीं है सिर्फ हाउस है, ठीक ना। ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। तो अभी इसका जो प्रयोग नहाने के लिए किया जा रहा है। तो कैसे लग रहा है नहा के आपको यहाँ पर? बहुत ठंडा लग रहा है। जोर से बोलिए, थोड़ा मोबाइल कम दामी है, जोर से बोलिए। बहुत ठंड लग रहा है, नदी का पानी है ना यहाँ पर। तो आप इधर अकेले नहा रहे हैं, इधर आलू सुलू से खुजलाएगा ना इधर? नहीं नहीं, आलू से नहीं, ये दल है। अच्छा दल है, पानी को ठंडा रखता है इसमें। आप मुंह धोइए, आदमी पहचाने कैसे आपको? देखिए कितना अच्छा से छूट गया, देखिए छिटका दिया। देखिए ये वाला जो खजूर का पेड़ है इसमें खजूर नहीं फलता है, लगता है ये जो एकदम नर खजूर होगा। और यहाँ पर जब ज़्यादा पानी आता है बारिश के मौसम में तो यहाँ से कूदते हैं बहुत कोई बच्चे, फिर उफान मार के उधर चले जाते हैं, फिर किनारे लग जाते हैं। सबका आदत है तो दिक्कत नहीं होता है, डूबता उबता नहीं होता, तो अभी केस आया नहीं है। और लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर अभी इतना पानी नहीं है अभी, इधर उधर से जब पानी आता है बहते हुए यहाँ पर एक भंवर बन जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा बच के रहना है। इधर सेफ्टी नहीं है, मतलब भंवर में आपको घुसा लेगा तो पानी डूबा डूबा के फिर जान गवा बैठते हैं। कौन ले रहे हो? देखिए वो जो घर दिख रहा है वाला घर, वहाँ पर हम अभी स्नान करेंगे जाकर, क्योंकि इधर हम आए गए थोड़ा घूमने, बहुत दिन बाद आ रहे हैं। अभी हीरो को देखिए एकदम फ्री फायर में पूरा मास्टर है। पैर में फंसा रहा है, यहाँ पर पानी बहुत कम है तो इसमें थोड़ा अच्छे तरीके से नहाना पड़ता है, मतलब मैनेज करना पड़ता है, नहा के बैठ के ऐसे उछड़ उछड़ के। हाँ ऐसे इसको जो है हम लोग कवा स्नान बोलते हैं। इसे कौवा महीना सब ऐसे ही, जब बारिश होता है ना तो ऐसे ही नहाता है, तो जब पानी कम रहता है तो ऐसे ही करके नहाना पड़ता है। जबरदस्त, हम भी है, है? हम क्या कोई देखिए मेरा खुआ आ गया है। इसको जो हम लोग काला ब्रिज साबुन बोलते हैं, ठीक ना, काला ब्रिज साबुन है ये, स्पेशल क्वालिटी का, ये बहुत स्पेशल जगह पर स्पेशल आदमी ही बनाता है। और अभी भी इसका बहुत ताकत है, ये बहुत आनंद ले रहा है अब वीडियो देख देख कर। और इसका उम्र है 120 साल का, शादी करने वाला है। देखिए को है कोनो कोनो को है को है टीवी देखते नहीं हो ना? उठी बजी नहीं